हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल ग्रेटेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं विशाल पांडे आज फिर से आप लोग सामने एक नया वीडियो के साथ आया हूँ। दोस्तों, ये अपना नया बैच मिशन पॉलिटेक्निक है। यहाँ पर हम लोग, जैसे कि आप सभी को पता है कि हाल ही में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, थोड़ा सा टाइम बचा है, तो जो भी टाइम बचा है उसमें हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इन वीडियोज़ के माध्यम से। आप जहाँ से भी देख रहे हैं, जिस जगह से भी देख रहे हैं, आपसे बस ये हमारा विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, जिससे उनको आने वाला जो एग्ज़ाम है उनका पॉलिटेक्निक में एक मदद मिले, मदद के रूप पर ये वीडियो साबित हो। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की इस वीडियो में हम लोग कम समय में अधिक जानकारी को यहाँ पर कलेक्ट करेंगे, और यहीं पर ही हम लोग ज़्यादा बातचीत ना करते हुए अपनी वीडियो को यहीं पर से स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आज जो आपका मिशन पॉलिटेक्निक है, और उम्मीद करते हैं कि आप इसमें सफल हों और 100% सिलेक्शन पाएं। दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है कि अर्घ किसका मात्रक होता है। सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग कभी ना कभी तो पढ़े ही होंगे। आप अगर एलिजिबिलिटी इसकी क्लास 10th होती है, तो क्लास 10th में ही आपको फिजिक्स में चैप्टर पढ़ाया जाता है कार्य ऊर्जा सामर्थ्य, उसमें से ये आपका क्वेश्चन लिया गया है कि अर्घ किसका मात्रक है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, किलोग्राम और ग्राम, ठीक है, दोनों ही ये मात्रक होते हैं, बल्कि और भी बहुत सारे होते हैं। किलोग्राम और ग्राम दोनों ही मात्रक होते हैं, किसके? मास के। किसके होते हैं? मास। मास मतलब क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारी बात आती है कार्य की, किसकी बात आती है? कार्य की बात आती है, ठीक है, तो कार्य के दो मात्रक हो जाते हैं, जूल, क्या हो जाता है? जूल, और उसके साथ साथ क्या हो जाता है? अर्घ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जूल जो है वो बड़ा मात्रक होता है, MKS पद्धति का होता है, एक साथ काफ़ी क्वेश्चन सारे यहाँ पर तैयार करने हैं, और अर्घ जो होता है वो आपका CGS मात्रक होता है। कैसा मात्रक होता है बेटा? CGS मात्रक होता है। CGS मतलब होता है छोटी इकाई, MKS मतलब होता है बड़ी इकाई। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है? अर्घ मात्रक है। अर्घ मात्रक किसका है? अर्घ मात्रक है कार्य का है। किसका है? कार्य का है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रयुक्त नहीं करते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव सभी को पता होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव में बेटा CO2 हम गैस का यूज करते हैं, N2O का भी करते हैं, और CH4 का भी करते हैं, मेथेन का भी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी करते हैं, सिवाय किसके? हाइड्रोजन गैस के, यानी H2 गैस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा था? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस की गैस नहीं है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया है। ऐसे धीरे 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 करके सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर क्या हो जाएंगी? कंप्लीट हो जाएंगी। आप सभी लोग जानते हो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपने बहुत प्रचलन वाला एक डायलॉग सुना भी होगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी वही चीज़ है। अगर आप डेली एक आदत बना लें कि हाँ 10 मिनट मुझे वीडियो में देना है, तो एक दिन ऐसा होगा कि आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे, और आपका पेपर भी क्या जाएगा? अच्छा ही जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? सभी लोग जानते हैं कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? 6 होता है। इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ओर बढ़े तो 2, क्या होता है? 4। तो बाह्यतम कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी क्या होती है? संयोजकता होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है प्लस का 4 होगा कि माइनस का 4, ये दोनों तो क्या हो गए? गलत हो गए, यानी ये तो आपके आंसर सही नहीं हो सकते। यानी KBC में जैसे 50-50 लाइफ लाइन होती है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आपकी 50-50 लाइफ लाइन चल गई है। यानी अब इसमें से कोई आपका एक ही ऑप्शन सही होगा, या तो ए या तो बी। तो बात करते हैं ए सही है कि बी सही है। तो अभी आपने देखा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, क्या होता है? 4, यानी इसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो संयोजकता होती है, संयोजकता में प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, संयोजकता आपकी क्या होगी? प्लस का 4 होगी। ठीक है, तो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर याद रखिएगा क्या होता है? उपधातु। सिलिकॉन हमारी क्या है? एक प्रकार की उपधातु है। ठीक है, और एक चीज बीच में कि अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, आपको हमारे ऑफलाइन बैचेस को अगर ज्वाइन करना है, तो हमारा जो ऑफलाइन बैचेस है ये एरिया नहीं बता सकते अभी आपको, और बाकी आप अधिक जानकारी के लिए 6388264756 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और उसके साथ साथ जो भी PDFs वगैरह होते हैं उनको ग्रुप में डाला जाता है, उसकी भी जानकारी आप तक पहुँचा दी जाएगी। ठीक है, आते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1 वोल्ट समतुल्य होता है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, W बराबर क्या होता है? Q इंटू V। V फॉर वोल्ट होता है, क्यों फॉर आवेश यानी गुलाम, ठीक है, और W फॉर क्या होता है? वर्क होता है। ठीक है, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर V निकालेंगे तो W अपॉन क्या हो जाएगा? क्यों,
ठीक है। डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है? जूल फॉर जे, ठीक है। और क्यू का मात्रक क्या होता है? कुलाम। क्यू का मात्रक क्या होता है? कुलांग होता है, कुलाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, वी बराबर, यानी फॉर्मूला क्या निकल रहा है? जे अपॉन सी। तो जे अपॉन सी कहीं पर है? बिल्कुल है, यानी ये आपका आंसर हो गया ए नंबर, जूल प्रति क्या हो गया? कुलाम हो गया, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन भी आपका क्या होगा? कंप्लीट हो गया। हम लोग सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक की अगर और बढ़े तो इसमें देखिए वेबर दिया है, वेबर प्रति मीटर दिया है, वेबर डैश मीटर दिया है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर फिलहाल हमारा जो आंसर सही होने वाला है वो हमारा क्या है? डी नंबर। डी नंबर क्या है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ये आपका फोर्थ, सॉरी डी ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो गया? सही हो गया। ग्रेट हिस्ट्री लगातार आज आप देख रहे हैं, आज हमारे काफ़ी टाइम से आप लोगों ने इसको सपोर्ट किया है, आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीके से क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। एलपीजी गैस की नीली लौ, जो लौ होती है उसका रंग नीला क्यों होता है? जिसका कारण है अदग्ध गैसों की उपस्थिति के कारण, पूर्ण दहन के कारण, अपूर्ण दहन के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जब कभी भी याद रखिएगा, एलपीजी जैसे आप सभी लोग जानते हैं घर में जो सिलेंडर आप इस्तेमाल करते हैं उसमें खाना पकाते हैं, फिलहाल आप अगर लड़कों में हैं या लड़कियों में हैं, कोई भी है, खाना तो कभी ना कभी पकाया ही होगा, तो उसमें जो गैस होती है देखा होगा आपने, नीली लौ होती है। कैसी लौ होती है? उसकी नीली लौ होती है। तो नीली लौ का रीजन क्या है? नीली लौ पूर्ण दहन के कारण होती है। तो सेवन्थ नंबर क्वेश्चन भी हमारा क्या होगा? कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं एट्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋण विद्युत तत्व है, देखिए याद करिएगा, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आए, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चार ऐसे तत्व हैं जो ऋण विद्युतीय होते हैं, ठीक है। अब इनमें भी सबसे ज्यादा कौन है? तो अब देखिए यहाँ पर फ्लोरीन भी दिया है, क्लोरीन भी दिया है, तो पहले कौन है? फ्लोरीन, फिर कौन हमने लिखवाया था? क्लोरीन। तो यहाँ पर याद रखिएगा फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्या होती है? ऋण विद्युतीय तत्व होता है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। एर्थ नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं जल की, तो जल भी आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कठोर जल, मृदु जल। तो कठोर जल में जो स्थायी कठोरता की अगर बात करें तो कठोर जल में स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण, सोडियम एवं पोटेशियम क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण, ठीक है। सोडियम का तो कोई जिक्र ही नहीं, अगर कहीं पर भी सोडियम लिख के आ गया है तो ये समझ लीजिए वो आंसर वो तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन में उसका तो कभी सही हो ही नहीं सकता है। तो बात करते हैं, यानी इसमें भी सोडियम है, इसमें भी है, इसमें भी, यानी तीनों क्या हो गए? गलत हो गए, यानी सिर्फ हमारा क्या बचता है? एक बचता है, तो वो हमारा क्या होगा? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण, ठीक है। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके हमने लिखवा दिए थे, अगर नहीं है ठीक है तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर कट गया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को। तो सबसे पहला क्या है? एप्सम लवण किसे कहते हैं? एप्सम लवण का फॉर्मूला होता है MgSO4, लिखा है जैसा कि आपके सामने, कभी कभार पूछ लिया जाता है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं पोटास एलम, ठीक है। पोटास एलम का मतलब क्या होता है? पोटास एलम सभी लोग जानते हैं फिटकरी होता है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो एक नाम है यहाँ पर एप्सम लवण, क्या नाम है? एप्सम लवण। तो एप्सम लवण क्या होता है आपका? MgSO4 7H2O, MgSO4 7H2O। फिर इसके बाद आती है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त समस्थानिक कौन सा? यहाँ पर लिखा नहीं है, कोबाल्ट 60। कौन सा? कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर के उपचार के लिए समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं पता होना चाहिए, जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है, उनको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। गैसों का वर्गमात्र मूल Vrms कितना होता है गैसों के लिए? तो याद रखिएगा रूट में 3 RT अपॉन कितना होता है? m, ठीक है, इसको मुझे मानी याद रखिएगा। फिर उसके बाद आती है बात DDT की फुल फॉर्म, तो DDT की फुल फॉर्म क्या होती है? डाईक्लोरो डाईफेनल ट्राईक्लोरोएथेन। फिलहाल बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में, आप मेरे साथ पढ़िए डाईक्लोरो, ठीक है, डाईफेनल ट्राईक्लोरोएथेन। तो यहाँ पर आपने देखा काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कम टाइम पर क्लियर करे हैं, क्योंकि ये पहली वीडियो थी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई हो, और इसी तरीके से धीरे धीरे करके हम अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए, एक चीज़ अपने दिमाग में रखिए कि बूंद बूंद से क्या बढ़ता है? घड़ा भरता है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा जब बारिश होती है, जब बारिश होती है तो एक एक बूंद गिरती है, और वो एक एक बूंद पृथ्वी की सतह पर अगर लगातार 3 से 4 दिन तक अगर बरसती रहती है तो एक दिन ऐसा भी आता है कि उसी छोटी सी बूंद से और कंसिस्टेंसी से, निरंतरता से, ठीक है, आस पास बाढ़ आ जाती है। मतलब वो स्थिति पैदा हो जाती है कि पानी बहुत, मतलब स्थिति उसकी क्या हो जाती है? गंभीर हो जाती है, आप समझ सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम ये चाहेंगे कि आप छोटे छोटे ये जितना भी नॉलेज है इसको आप कलेक्ट करते जाएं और आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।